हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल रीड अनदर थ्योरम एंड थ्योरम इज रिलेटेड टू द ट्राइंगल्स, सिमिलर ट्राइंगल्स एंड देयर एरियाज. व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स. कि दो सिमिलर ट्राइंगल होते हैं उनके एरियाज का क्या रिलेशन होता है उनकी साइड से या फिर उनकी मीडियन से, उनकी एल्टीट्यूड से. ठीक है, तो वो हम आज इस थ्योरम में पढ़ेंगे. तो ये तो हमारी मेन थ्योरम है और उसके ऊपर आधारित जिसको अपन सब थ्योरम बोल सकते हैं या कॉरोलरी बताइए और सब थ्योरम. ठीक है, या सब रिजल्ट्स वो पढ़ेंगे. इसी पर आधारित तीन रिजल्ट हो रहे हैं. तो सबसे पहले हम ये जो हमारी मेन थ्योरम है जो कि लीडिंग रोल में रहेगी आने वाली जो एक्सरसाइज है उसमें, इसको प्रूव करना देख लेते हैं. और इसको प्रूव करने के बाद में इसका जो हमारा मेन रिजल्ट आएगा उसी की हेल्प से हम क्वेश्चंस सोल्व करेंगे. तो देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है. द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, यानी कि हमारे क्या गिवन है बेटा, टू सिमिलर ट्राइंगल्स. तो गिवन पार्ट लिखेंगे अपन, दो ट्राइंगल ले लो, ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल पी क्यू आर. स्टूडेंट्स मान लीजिए ये दो ट्राइंगल है और ये दोनों सिमिलर है. ठीक है, तो इतना सा दिया हुआ है हमारे को कि दो सिमिलर ट्राइंगल है. बस इस पूरे स्टेटमेंट में आपको क्या दिए हुए हैं, दो सिमिलर ट्राइंगल. अब प्रूव क्या करना है, प्रूव ये करना है कि रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स, यानी कि इनका जो रेशियो होता है, यानी एरिया ऑफ ए बी सी एंड एरिया ऑफ पी क्यू आर, इनके एरिया का रेशियो इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, ये इज इक्वल टू स्क्वेयर. लो भैया ये स्क्वेयर हो गया ऑफ द रेशियो, ये रेशियो लिखेंगे किसका, दियर क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स, उनकी जो साइड्स होती है. देखिए इन दोनों में साइड कौन कौन है, ए बी, पहली साइड है ए बी और इधर इधर पहली है पी क्यू. तो ए बी एंड पी क्यू आर क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स ऑफ दिस टू सिमिलर ट्राइंगल्स. सिमिलरली हम सेकेंड साइड लेना चाहें तो ये बी सी आएगी और ये क्यू आर आएगी, इसका और स्क्वायर. और थर्ड हमारे पास में आ जाएगी एस सी अपॉन पी आर. ये लो, ये चीज आपको प्रूव करनी है. और प्रूव करने के बाद में आगे जो क्वेश्चंस की भरमार आएगी उनमें इसका यूज करना है. एक तरीके से इसको प्रूव करने के बाद में फ्यूचर में फॉर्मूले का काम करेगा. ठीक है, तो देखिए हम लोग सबसे पहले फिगर बनाते हैं. ये दो हमारे पास क्या है, ट्राइंगल है, सिमिलर ट्राइंगल है. इसका नाम ए बी सी है और इसका पी क्यू आर है. ठीक है, इसमें हमारे को कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी. क्या कंस्ट्रक्शन करनी होगी कि एल्टीट्यूड खींचने होंगे. ड्रा ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी. ठीक है, ए से बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर खींच दीजिए ये ए डी और यहाँ से भी खींच दीजिए पी एम एंड पी एम परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर. ठीक है स्टूडेंट्स, इतना आपको करने के बाद में सबसे पहले आपको क्या करना है, स्टेटमेंट को रीड करना है. रीड करने के बाद में उसमें क्या गिवन है हमारे को, दो ट्राइंगल सिमिलर है ये गिवन है. और क्या प्रूव करना है कि इनके एरिया का रेशियो, जो सिमिलर ट्राइंगल है इनके एरिया का रेशियो इनकी क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है. तो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स ए बी और पी क्यू, इनका रेशियो और इसका स्क्वायर. ऐसे दूसरी साइड का रेशियो, उसका स्क्वायर, तीसरी साइड का रेशियो और स्क्वायर. इस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमारे को इसमें कंस्ट्रक्शन करनी होगी. कंस्ट्रक्शन क्या होगी, कंस्ट्रक्शन होगी कि हमारे को परपेंडिकुलर ड्रॉ करने पड़ेंगे, ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी एंड पी एम परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर. ठीक है, अब देखिए प्रूफ की स्टार्टिंग कर रहे हैं. प्रूफ सबसे पहले इसी से स्टार्ट कर देते हैं. बिकॉज गिवन क्या है, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के. तो सिमिलरिटी
क्राइटेरियंस वाला जो मैंने टॉपिक पढ़ाया था उसमें बताया था कि सिमिलर ट्राइंगल से अपन दो रिजल्ट निकाल सकते हैं कि क्रॉसपोंडिंग साइड्स विल बी इन सेम रेशियो में होगी। तो यानी कि हमारे पास आ जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर। तीनों को एक साथ लिख लिया है, आगे हमारे पास काम में आने वाले को ले लेंगे। इसको क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे दिया है। सेकंड रिजल्ट आता है कि क्रॉसपोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं, सेकंड रिजल्ट। एंड corresponding angles will be equal, तो हमारे पास में एंगल ए एंगल पी के इक्वल आ गया है और एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल बी इज इक्वल टू क्यू और एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है स्टूडेंट्स, इसको हम इक्वेशन नंबर सेकंड दे देते हैं इस सारे को। इस प्रकार से अब हम मेन स्टार्ट करते हैं एरिया फाइंड करना। ये तो हमने जो गिवन था हमारे पास उससे दो रिजल्ट निकालने हैं, ये आगे हमारे काम में आएंगे। ठीक है, अब देखिए स्टार्टिंग कैसे करेंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल, फॉर्मूला क्या होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल का, वन अपॉन टू इंटू बेस इंटू हाइट। इस फॉर्मूले की हेल्प से एरिया ऑफ एबीसी क्या हो जाएगा, वन अपॉन टू इंटू बीसी बेस होगा और हाइट एडी होगी। ये क्वेश्चन नंबर थर्ड। ऐसे स्टूडेंट्स इसमें हो जाएगा एरिया ऑफ पीक्यूआर, वन अपॉन टू इंटू क्यू आर इंटू पी एम। ठीक है, इक्वेशन नंबर फोर। अब इन दोनों ट्राइंगल्स के एरिया का रेशियो फाइंड करना, तो डिवाइड करना होगा। डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट बाय इक्वेशन सेकंड, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू, इनको डिवाइड करेंगे तो हम क्या जाएगा, वन अपॉन टू इंटू बी सी इंटू ए डी अपॉन वन अपॉन टू इंटू क्यू आर इंटू पी एम। वन अपॉन टू से वन अपॉन टू कैंसिल, तो हमारे पास में इक्वेशन आ गई एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू बी सी इंटू ए डी अपॉन क्यू आर इंटू पी एम। इक्वेशन नंबर फाइव आ गई। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास में ये लगभग प्रूव हो चुका है। अब ये वाला प्रूव करने के लिए तो अपने को दूसरी कंस्ट्रक्शन करनी होगी, ये वाला प्रूव होगा हमारे पास, क्योंकि हमने परपेंडिकुलर किस पर डाले थे, बी सी पर और क्यू आर पर। तो बी सी और क्यू आर साइड्स प्रूव होगी। ऐसे अगर ये ए बी और पी क्यू प्रूव करना चाहते हो तो आपको ए बी पर परपेंडिकुलर डालना पड़ेगा, ये जो ए डी डाला था ना यहाँ से ऐसे डालना पड़ेगा और ये यहाँ से, तो वो तो हम सिमिलरली कर लेंगे। लेकिन फिलहाल हमारे पास में ये आ चुका है, इधर वाला पोर्शन आ चुका है, इससे कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए। अब हमारे को ये लाना है बेटा बी सी अपॉन क्यू आर। अब बी सी स्क्वायर कब आएगा, जब ए डी की जगह भी क्या है बी सी, पी एम की जगह क्यू आर, तो इस ए डी अपॉन पी एम की जगह बी सी अपॉन क्यू आर लाना है। ये कब पॉसिबल है, जब ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल आपके पास में क्या हो, सिमिलर हो, ए बी डी और पी क्यू एम। तो हमारा नेक्स्ट टारगेट होगा इस ए बी डी और इस पी क्यू एम को क्या किया जाए, सिमिलर किया जाए। उन सिमिलर ट्राइंगल से साइड सेम रेशियो में होगी और उस सेम रेशियो को हम यहाँ पुट करेंगे। तो यहाँ तक आपके समझ में आ गया हो तो आराम से इसको राइट कर लीजिए, क्योंकि अब मुझे आगे बढ़ने के लिए इसको इरेज करना होगा।
ये देखिए स्टूडेंट्स, ट्राइंगल ए बी डी और पी क्यू एम, ठीक है, इनको याद में रखना है, इनको भूल जाइए। इन दोनों ट्राइंगल्स को मैंने ले लिया है, इसमें एंगल बी एंगल क्यू के इक्वल है, ये वाला एंगल हमारा जो है वो इसके इक्वल है। क्यों इक्वल है, यहाँ देखिए हमारे पास ये रहा, इस वाले रिजल्ट से, इस वाला जो गिवन पार्ट था इससे हमने दो रिजल्ट निकाले थे, उन दोनों में सेकंड रिजल्ट था कि एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, इट मीन्स क्रॉसपॉन्डिंग एंगल ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स है, तो ये एंगल रे एंगल इक्वल है, और डी इज इक्वल टू एम, और ये वाला एंगल जो आपके पास में है ये वाला, ये इसके इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि इस 90 डिग्री, ये 90 डिग्री का एंगल है, परपेंडिकुलर डाला था। तो बाई ए सिमिलरिटी क्राइटेरियन आपको पता है, दो ट्राइंगल्स के अगर दो क्रॉसपॉन्डिंग एंगल इक्वल हो तो वो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, तो ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू एम के। सिमिलर से होने से क्या होगा, साइड सेम रेशियो में होगी, तो ए बी अपॉन पी क्यू, ये पहली साइड इसके सेम रेशियो में होगी, और तीसरी साइड ए डी और पी एम ये इसके होगी। ये हमारे लिए कोई काम में नहीं है कि बी डी और क्यू एम, उसको हम लेंगे नहीं, इसको मैंने फिलहाल इक्वेशन नंबर 6 दे दिए। अब देखिए बेटा इस कोर्स को देखिए, इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो आपके पास में देखो, इसको तो भूल जाइए, तीसरे वाले को इसको भूल जाइए, कोई काम भी नहीं आएगा, ये लो। अब इन दोनों को देखो, इनके LHS पार्ट सेम है, इस इक्वेशन का, इस इक्वेशन का LHS पार्ट सेम है, तो RHS पार्ट सेम हो जाएगा, तो हमारे पास आ जाएगा AD अपॉन PM इज इक्वल टू BC अपॉन QR, ये इक्वेशन नंबर 7। अब बेटा इसको और इसको ले लो, 5 को और 7 को, समझ में आ गया। अब मैं इसको इरेज करूँगा, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड इक्वेशन 7, फिफ्थ और 7 में से हमारे पास में क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू हो जाएगा बी सी अपॉन क्यू आर, और ये जो ए डी अपॉन पी एम है, इस ए डी अपॉन पी एम की जगह हम क्या लिख देंगे, बी सी अपॉन क्यू आर। तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, बी सी अपॉन क्यू आर का होल स्क्वायर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप सिमिलरली यूज करते हुए यहाँ देख लीजिए, सिमिलरली हम फाइंड कर सकते हैं एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर, ठीक है। दो साइड, एक साइड तो ये आएगी थी बी सी और क्यू आर, वो कौन कौन सी बच गई, ए बी अपॉन पी क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी अपॉन पी आर का होल स्क्वायर, हेंस प्रूव्ड, इस प्रकार से ये थ्योरम प्रूव होगी, समझ चुके होंगे। थोड़ा सा प्रोसेस लंबा है, स्टेप्स इजी है, स्टेप्स का जो ऑर्डर है वो आपको लर्न रखना है, कि सबसे पहले इक्वेशन कैसे प्राप्त करेंगे, जो गिवन है उससे दो इक्वेशन प्राप्त करेंगे, फिर दोनों ट्राइंगल के एरिया फाइंड करेंगे 1/2 बेस इंटू हाइट लगा करके, तो दो इक्वेशन तो उनसे आएगी, दो एरिया से आएगी, ये थर्ड और फोर्थ, इसको इसको डिवाइड करेंगे, सॉरी यहाँ पर थर्ड और फोर्थ आएगा इक्वेशन, थर्ड एंड फोर्थ, इनको डिवाइड कर दिया, तो डिवाइड करने से इक्वेशन नंबर 5 आ जाएगी। इतना प्रोसेस याद रखे, 5 इक्वेशन प्राप्त करने के बाद में आपको इन दोनों ट्राइंगल्स को सिमिलर करना है, इस छोटे वाले को और इस छोटे वाले को, ए बी डी और पी क्यू एम को। इससे हमारे पास में इक्वेशन नंबर 6 आएगी, फिर फर्स्ट और 6 का यूज़ करते हुए हमारे पास इक्वेशन नंबर 7 आएगी, फिर 7 और 5 का यूज़ करते हुए हमारे पास जो रिक्वायर्ड प्रूव है वो आ जाएगा, जो हमारे को चाहिए प्रूव करने में वो आ जाएगा, ठीक है। अब इसी थ्योरम का यूज़ करते हुए अपन 3 सब थ्योरम और प्रूव करेंगे, जिनको अपन कॉरलरी बोलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कॉरलरी है,
कोरोलरी का मतलब हमारी मेन थ्योरम होती है भी जो मैंने प्रूव की है उसी पर आधारित एक थ्योरम है, ठीक है। स्टेटमेंट देखिए, थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू, यहाँ तक वसा का वसा है, द रेशियो ऑफ द स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर्स, ये चेंज हो गया है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास पिछली बार था क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स और यहाँ पर आ गए परपेंडिकुलर्स ड्रॉन फ्रॉम द क्रॉसपॉन्डिंग वर्टेक्स टू अपोजिट साइड्स। इसमें भी हमारे पास में दो ट्राइंगल हैं, सबसे पहले ये ट्राइंगल आप बना लेना ए बी सी और सेकंड पी क्यू आर, ठीक है, दोनों सिमिलर हैं और ये कह रहा है कि परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर का मेंशन हमारे पास में, परपेंडिकुलर का मेंशन क्वेश्चन में आ चुका है तो इसको कंस्ट्रक्शन में लिखने की आवश्यकता नहीं है, गिवन है बेटा। और ये पी एम, तो गिवन पोर्शन लिख देना, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर, ए डी परपेंडिकुलर ऑन बी सी और पी एम परपेंडिकुलर ऑन क्यू आर। ऐसे ही आप चाहो तो परपेंडिकुलर बी सी ए सी पर भी डाल सकते हो, क्यू से पी आर पर भी डाल सकते हो, ऐसे ही सी से ए बी पर भी डाल सकते हो, ऐसे ये भी डाल सकते हो, ये भी डाल सकते हो, इस प्रकार से। तो हमारे को प्रूफ एक लेकर करना है, फिर बाद में बाकी के सिमिलरली हो जाएंगे बेटा, ठीक है। ये फिलहाल मैं प्रूव कर रहा हूँ, तो इसका प्रूफ सेम होगा, कंस्ट्रक्शन कुछ नहीं है बेटा, पिछले में तो हमारे को कंस्ट्रक्शन करनी पड़ी थी, इसमें कंस्ट्रक्शन नहीं करनी पड़ेगी, इसमें टोटल प्रूफ वैसा का वैसा ही है जैसा हमने पहले थ्योरम की थी, ठीक है। केवल आपको लास्ट में चेंज करना है, क्या पिछली बार अपन ने देखा था फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ एंड सेवन, ये जो लास्ट में आपको याद है तो आप रिकॉल कीजिए उसको, उसमें हमारे पास में आ गया था एरिया ए बी सी और एरिया ऑफ पी क्यू आर। मैं वापस लिख देता हूँ कि फिफ्थ इक्वेशन क्या थी हमारे पास, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर, ये हमारे पास आ चुकी थी बी सी अपॉन क्यू आर इंटू ए डी अपॉन पी एम, ये इक्वेशन नंबर फाइव थी। और फिर उन ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करके हमने इक्वेशन नंबर सिक्स और सेवन प्राप्त की थी, तो सेवन्थ क्या थी, सेवन्थ हमारे पास थी ए बी अपॉन पी क्यू, नहीं बी सी अपॉन क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, याद है आपको, ये इक्वेशन नंबर सेवन थी। ये इक्वेशन रिकॉल करने के लिए आप पिछले थ्योरम को देख लीजिए। अब हमने उसमें तो क्या किया था, इसको भगाया था, इसको भगा करके इसकी जगह इसको बिठाया था, ठीक है, इसमें उल्टा कर देंगे, इसको भगा देंगे और इसकी जगह इसको बिठा देंगे, तो हमारे पास में क्या आ जाएगा, ए डी इंटू ए डी अपॉन पी एम और पी एम, ठीक है, ए आएगा, तो हमारे पास इसको सोल्व करने पर क्या हो जाएगा, ए डी अपॉन पी एम का स्क्वायर, इधर एरिया ऑफ ए बी सी और एरिया ऑफ पी क्यू आर, ये बेटा आपका प्रूव हो चुका है थ्योरम, इस प्रकार से समझ में आ गया। तो पिछली थ्योरम और ये थ्योरम सेम ही है, केवल आपको ये स्टेप चेंज करनी है, ये दो स्टेप चेंज होगी, ये वाली, तो और कुछ चेंज नहीं होगी, तो प्रूव कर लेना। और आगे से यह ध्यान रखना कि जो इनके ट्राइंगल्स का एरिया का जो रेशियो होता है वो परपेंडिकुलर के स्क्वायर के रेशियो के इक्वल भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट कोरोलरी पर चलते हैं। ये स्टूडेंट्स हमारे पास सेकंड कोरोलरी है, अनदर कोरोलरी, द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ दियर क्रॉसपॉन्डिंग मीडियंस। पहले क्या आया था, साइड्स, क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स, फिर क्रॉसपॉन्डिंग परपेंडिकुलर्स, अब मीडियंस। तो हमारे पास में ये दो ट्राइंगल लेने होंगे, मान लीजिए ये दो ट्राइंगल है, ये दो ट्राइंगल है, इसकी मीडियन कैसे ड्रॉ करेंगे, मीडियन बेटा एल परपेंडिकुलर तो सीधा आता है,
लेकिन मीडियन होती है मिड पॉइंट को ज्वाइन करने वाली। मान लीजिए इसका मीडियन ये है, तो ऐसे होती है बेटा, ये ए डी और ये पी एम। तो आप लिख दीजिए ट्राइंगल ए बी सी ट्राइंगल पी क्यू आर के सिमिलर है, क्योंकि अगला कह रहा है कि सिमिलर है ट्राइंगल्स। और फिर ये मीडियंस है, परपेंडिकुलर नहीं है, मीडियंस सर इसका मेंशन क्वेश्चन में है, तो इसको कंस्ट्रक्शन भी नहीं करनी इसमें कुछ भी। तो हमारे पास में ये लिख दिया हमने कि ये सिमिलर है और डी मिड पॉइंट है बी सी का, एम मिड पॉइंट है क्यू आर का। प्रूव क्या करना है कि इनके ट्राइंगल्स का जो एरिया होता है उनका रेशियो इन मीडियंस के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल होता है, तो ये प्रूव करना है। आइए अब इसको प्रूव करने के लिए जो हमारी मेन थ्योरम थी उसका यूज करेंगे अपन। क्या लिखेंगे, वी नो दैट, वी नो दैट, क्या जानते हो आप कि एरिया ऑफ ए बी सी एरिया ऑफ पी क्यू आर किसके इक्वल होता है, इनके जो क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स है, क्रॉसपॉन्डिंग साइड्स बी सी अपॉन क्यू आर के स्क्वायर के। इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट जान दे दो, यही था हमारे पास। हालांकि तीन साइडें कोई सी भी आ सकती है, लेकिन एक को लेकर के प्रूव करेंगे, बाकी सिमिलरली हो जाएगा। तो हम वही साइड लेंगे जिस पर अपने मीडियन ड्रॉ की है। ध्यान रहे इस ट्राइंगल में तीन मीडियन ड्रॉ कर सकते हैं अपन, टेंथ चैप्टर में पढ़ा होगा आपने लोकस वाले में, तीन मीडियन ड्रॉ की जा सकती है, यहाँ से यहाँ पर, यहाँ से यहाँ पर। तो अगर ये वाली मीडियन लेते हो तो साइड ये और ई आ जाएगी, ठीक है। अब हमारे को क्या करना है, इसकी जगह ये लाना है, ऐसा तो हम जानते हैं पिछली थ्योरम से पढ़ चुके हैं। अब इसकी जगह ये लाना, तो स्क्वायर इसको इक्वल करना पड़ेगा। स्क्वायर इसको इक्वल करने के लिए इस ट्राइंगल को क्या करना पड़ेगा, सिमिलर प्रूव करना पड़ेगा। तो देखो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के, ये गिवन था ना, इससे दो रिजल्ट निकालो। पहला रिजल्ट तो आ जाएगा ए बी बिकॉज सो ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर, ठीक है। तीसरा वाला काम में नहीं आएगा तो उसको छोड़ दीजिए। और इसके अलावा एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू, इक्वेशन नंबर सेकेंड, नहीं ये सेकेंड ये थर्ड, ठीक है स्टूडेंट्स। इन दोनों की हेल्प से हम इन ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करेंगे। इसको और इसको नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल पी क्यू एम ले लीजिए। एंगल बी इज इक्वल टू एंगल क्यू इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है, ठीक है। क्यों, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड। और इसके अलावा देखिए ये दो साइड सेम रेशियो में, इनको ले लीजिए ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू बी सी अपॉन क्यू आर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। अब आपके माइंड में आ रहा होगा कि इन दोनों ट्राइंगल्स में ये बी सी और क्यू आर का क्या काम, बी डी आ रहा है, तो हम इन दोनों की हेल्प से बी डी प्राप्त करेंगे बेटा। ए बी अपॉन पी क्यू, अब ये बेटा बी सी किसके इक्वल है, बी सी, बी सी इसकी डबल है बेटा, डी मिड पॉइंट है ना, डी मिड पॉइंट होने के कारण से इसकी डबल हो गई, तो इसको लिख सकते हैं अपन टू बी डी। ऐसे क्यू आर, ये क्यू आर इसकी डबल है टू क्यू एम के। इधर रीजन मेंशन कर दो, बिकॉज बी सी इज इक्वल टू टू बी डी है एंड क्यू आर इज इक्वल टू टू क्यू एम है। डबल क्यों है, ये रही मिड पॉइंट क्वेश्चन में दे रखा है, इससे कैंसिल। तो देखो एक एंगल इक्वल हो गया है, दो साइड सेम रेशियो में हो गया, तो बाई एस ए एस सिमिलरिटी क्राइटेरियन ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर हो गया ट्राइंगल पी क्यू एम के। अब इससे साइड सेम रेशियो में हो जाएगी, कौन कौन सी, ए बी अपॉन पी क्यू इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम, इक्वेशन नंबर फोर, ठीक है स्टूडेंट्स। यहाँ तक समझ में आ गया,
अब आप इन दोनों की हेल्प से, इन दोनों की हेल्प ले लो, इन दोनों की हेल्प से हम कर सकते हैं। आप चाहो तो ये जो यहाँ पर लिखा था अपन ए बी पॉन पी क्यू भी आ सकता है, ठीक है ना, ए बी पॉन पी क्यू भी आ सकता है। तो इसकी जगह ये लिख दीजिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, यहाँ देख लीजिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन फोर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर, ए डी अपॉन पी एम के स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा, ये हैंस प्रूव्ड। इस प्रकार से ये प्रूव होगा बेटा, समझ गए, छोटा ही प्रोसेस है। केवल इसमें क्या डिफरेंस रहा, ये जो इन छोटे वाले ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूव करते हैं, इसमें हमारे पास में ए ए सिमिलरिटी नहीं लगी, इसमें एस ए एस लगी। क्यों, उनमें परपेंडिकुलर होता था तो वो 90 डिग्री का हो जाता था, तो ए ए सिमिलरिटी से काम चलता था, इसमें वो 90 नहीं था, तो हमने दो साइड्स को सेम रेशियो में करना पड़ा, ठीक है। और लास्ट कॉरोलरी है, देखिए देखिए स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट कॉरोलरी है उसमें हमारे पास में यहाँ मीडियंस की जगह, इसकी जगह क्या आ जाएगा, एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर आते ही यहाँ पर हमारे पास गिवन में हम ये भी लिख देंगे कि सबसे पहले तो दो ट्रायंगल बना लेना आप, एंगल बाइसेक्टर क्या होता है, जो एंगल को दो भागों में डिवाइड करे, जैसे मान लो ये एंगल है, इसको बाइसेक्ट करता हुआ लाइन सेगमेंट खींच दो, ये ए डी, तो ये वाला पोर्शन और ये वाली एंगल इक्वल हो गया है, ठीक है, ये एंगल बाइसेक्टर होता है। अब ये एंगल इक्वल होने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर 90 डिग्री एंगल बन जाएगा, ये डी इनका मिड पॉइंट है, नहीं, कुछ नहीं कर सकते हम, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, तो हम नहीं मान के चलेंगे। ऐसे ये पी एम, तो ये इक्वल है बेटा, ठीक है, केवल कंडीशन बदली है, कौन सा एंगल इक्वल है, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी ए डी, और एंगल क्यू ए एम इज इक्वल टू आर पी एम, ये इक्वल है, ठीक है। प्रूव वही करना है, लेकिन इस बार ए डी पी एम को न तो मीडियन मानना है न परपेंडिकुलर मानना है, ये एंगल बाइसेक्टर है, क्या है, एंगल बाइसेक्टर। प्रूव करने के लिए ऐसा कैसा हो जाएगा, ऐसा कैसा, बिल्कुल केवल यहाँ पर चेंज होगा आपके पास, यहाँ क्या चेंज होगा आपके पास में, एंगल बी किसके इक्वल है, एंगल क्यू के, ये इक्वेशन नंबर थर्ड से इक्वल हो गया। अब इस ट्राइंगल का है, इस ट्राइंगल में कौन कौन इक्वल है, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, और आपको पता है एंगल ए एंगल पी के भी इक्वल है, एंगल ए एंगल पी के भी इक्वल है, क्यों, ये ट्राइंगल सिमिलर थे, तो आप यहाँ पर एंगल ए इज इक्वल टू एंगल पी ये भी मेंशन करेंगे। तो एंगल ए और एंगल पी इक्वल है, तो इक्वल्स के हाफ भी इक्वल्स होते हैं, हाल्व्स ऑफ इक्वल्स आर आल्सो इक्वल, कि जो बराबरों के आधे होते हैं वो भी बराबर होते हैं। ये कौन है, आधा आधा है, किसका, एंगल ए का आधा आधा है, ये कौन है, एंगल पी का आधा आधा है, तो ये तो आपस में बराबर है, लेकिन ये बराबरों के आधे हैं इसलिए आपस में भी इक्वल होंगे, तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया है, एंगल बी ए डी इज इक्वल टू हो गया एंगल क्यू ए एम के, ठीक है, क्योंकि ये क्या है हमारे पास, हाल्व्स ऑफ
इक्वल्स आर आल्सो इक्वल, ये यूक्लिड ज्योमेट्री ने में हमने पढ़ा था कि इक्वल्स के हाफ भी आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास बाई ए सिमिलरिटी लग गई बेटा, इन दोनों में ए सिमिलरिटी से ये ट्राइंगल इसके क्या हो गया, सिमिलर हो गया, तो इस साइड सेम रेशियो में होगी। अब इससे रिश्ते फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड लिख दीजिए, यहाँ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड फोर्थ, इन दोनों से इसकी जगह हम ये लिख देंगे, तो एरिया ऑफ ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ पी क्यू आर इज इक्वल टू ए डी अपॉन पी एम का होल स्क्वायर हैज प्रूव्ड। ठीक है स्टूडेंट्स, ऐसे आज हमारी इस ऑनलाइन क्लास में चार थ्योरम हो गई है। कितनी थ्योरम हो गई है? चार। चारों को आपको राइट करना है, समझना है, स्टेटमेंट जरूर याद करें। अब हम क्वेश्चंस के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चंस इसी से रिलेटेड किस प्रकार से पूछे जाते हैं, कैसे आते हैं। ठीक है।